दो दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने कोविड-19 को लेकर प्रशासन से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। छिंदवाड़ा दो दिवसीय दौरे पर आए सांसद नकुल नाथ ने भाजपा सरकार के साथ प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। नकुल नाथ ने प्रशासन को कोरोना के कारण मरने वाले लोगों की सूची जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, गरीबी रेखा में आने वाले सभी लोगों को लाभ दिया जाए। सरकारी सेवा के दौरान कोरोना के कारण मृत परिवार के लोगों की अनुकंपा नियुक्ति पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि कंप्यूटर सिस्टम में मृत्यु के कारण में कोविड का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, जिससे मृतक के परिवार को इससे लाभ नहीं मिल पा रहा। यही मेरी डिस्कशन हुई थी, डेथ सर्टिफिकेट में रीजन ऑफ डेथ, डेथ ड्यू टू, मृत्यु का कारण, ये कह रहे हैं इनके सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में ऑप्शन ही नहीं है कोविड डालने का। इस पे मुझे ऊपर शासन और प्रशासन के लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो भी परिवार कोविड के कारण जिस परिवार में मृत्यु होती है उसे 1 लाख की राशि मिलेगी। लेकिन अगर ये कोविड डेथ सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकते तो इस का लाभ कोरोना पीड़ित परिवार कैसे उठाए? इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है इनके कंप्यूटर में। बहुत से परिवार ऐसे बात हो रही थी, मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं प्रशासन और शासन को दोषी ठहराता हूँ। आज दुर्दशा हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के लोगों के साथ हुई है, इसका केवल एक ही जिम्मेदार है, शासन और प्रशासन। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।